तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, सॉरी 48 48 श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान का ये सृष्टि के विषय में चर्चा कर रहे थे और ब्रह्मा जी का जो दिन है उस दिन में 30 कल्प होते हैं और सुखदेव गोस्वामी ने अब कहा पिछले श्लोक में कि मैं अब इस समय तुम्हें पद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूं। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे और हमें जानना है कि ये जो वार्तालाप चल रही है, पहले तो ये जो भगवत श्रीमद् भागवतम का ज्ञान भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया और इस भागवतम के शुरुआत में पहले ही स्कंद के पहले ही अध्याय में बताया जा रहा है कि नैमिषे अनिमिष क्षेत्र ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गय लोक लोकाय सहस्र समम आशत। तो ये एक बार नैमिषारण्य जैसे शुरुआत यही हुई थी कि क्या हो रहा था कि नैमिषारण्य में बहुत सारे जो महान ऋषि थे वे इकट्ठा हो गए थे और उन ऋषियों के जो मुख्य थे शौनक ऋषि थे और किसके किस हेतु इकट्ठा हुए थे, वो इस कारण इकट्ठा हुए थे कि वे जो है 1000 वर्ष का एक यज्ञ करना चाहते। क्या कर रहे थे इकट्ठा होके, 1000 साल का यज्ञ किसके लिए? अनिमिषा, अनिमिषा मतलब भगवान, भगवान के जो स्थान है ये नैमिषारण्य स्थान है, उस स्थान में इकट्ठा हुए थे और उस स्थान में इकट्ठा होकर वे भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ करने जा रहे। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है इस भागवतम के पहले इस तरह में कि किस प्रकार से जो ये भक्त जो वे सब इकट्ठा हुए थे। तो चर्चा यहाँ पे ही हो रही है कि पहले तो ये कॉन्वर्सेशंस, बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस शुरू किससे हुई, सुत गोस्वामी बता रहे। एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है किसके किसके द्वारा, सुत गोस्वामी एंड सेजेस ऑफ नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि थे वो प्रश्न पूछ रहे सुत गोस्वामी से और उनके मुख्य, उनके जो मेन मुख्य कौन है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है, शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि सभी ऋषियों के द्वारा शौनक ऋषि जो है सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे। तो
तो पहला जो है भागवतम, भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को चार श्लोकों में दिया जो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। तो ये एक कॉन्वर्सेशन। फिर बाद में यही भागवतम जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो एक्चुअली स्पीकिंग ये दूसरा भागवतम, दोबारा जो भागवतम बताया गया वो सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों में। तो सुत गोस्वामी बता रहे कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया था, वो जो है यहाँ पे वही भागवतम जो है सुत गोस्वामी जो है सौनक ऋषि आदि को ये भागवतम सुना रहे। तो बहुत सारे कॉन्वर्सेशन, एक तो भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में जो ये चतुर्श्लोकी, फिर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के साथ, फिर सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ, फिर नारद मुनि और व्यासदेव के साथ, फिर नारद मुनि, ब्रह्मा और नारद मुनि के साथ बहुत सारे वार्तालाप कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ, और मैत्रेय मुनि और विदुर के साथ, और अंत में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के साथ। तो अनेक अनेक जो है कॉन्वर्सेशंस जो है इस श्रीमद् भागवतम में हम पाते हैं। और श्री सुखदेव गोस्वामी, अभी सुत गोस्वामी जो है ये बात बता रहे, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे, पर जब सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो पद्म कल्प के विषय में बोलने जा रहे थे, तो अचानक सुत सौनक ऋषि ने प्रश्न पूछ दिया, तो वो जो है पद्म कल्प का जो चर्चा है वहां पे हॉल्ट हो गया। अभी दूसरा चर्चा, उन्होंने बीच में प्रश्न पूछ दिया, तो सौनक ऋषि ने क्या कहा, सृष्टि के विषय में तो यह सब सुनने के बाद सौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, ना पूरा टॉपिक चेंज कर दिया, वहां पे रुका दिया पद्म कल्प का विषय। अभी सौनक ऋषि पूछ रहे हैं विदुर के विषय में, विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सुत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृहत्याग किया, या जिसको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है, गृहत्याग को छोड़ना बहुत दुष्कर। और ये बात एक्चुअली सुत गोस्वामी ने पहले बताया था पहले स्कंद के 13वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है कि धृतराष्ट्र का गृहत्याग, धृतराष्ट्र का लीव्स होम। तो उसमें उन्होंने बताया था कि विदुर के विषय में। तो अभी अचानक यहाँ पे सौनक ऋषि जो है ये पद्म कल्प का जो इतना सारा सृष्टि का बात, अब थोड़ा टू मेक गिव इट अ लिटिल चेंज कर दिया, ताकि बहुत ज्यादा गहराई से बात हुई। अभी उसको थोड़ा नॉट यू कैन से लाइट, पर लेकिन उनको उत्साहित, क्योंकि भक्त जो है ज्यादा जो है भगवान और भगवान की लीला, भगवान की भक्तों के विषय में सुनना चाहते। तो सौनक ऋषि ने तुरंत यहाँ पे ये प्रश्न पूछा, सौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उनको इतना, अभी जैसे कि हम भी भक्त है, ये दूसरा स्कंद इतना गहरा है, और फिर इतना चलता ही गया, लेकिन अभी अंत में उन भक्त जो है, कब कब बात होगी, कब भगवान के विषय में ये ज्ञान हम जानेंगे, और भगवान क्या कैसे क्या करते हैं। तो अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों का की यात्रा करते समय मैत्रेय ऋषि से हुई थी। तो ये वार्तालाप हुआ था जब विदुर
गृह त्याग करके चले गए, तीर्थ यात्रा पे चले गए, और उस समय जब वे तीर्थ यात्रा में थे उनकी भेंट जो मैत्रेय ऋषि से हुई थी, और यहाँ पे सनक आदि जो ऋषि हैं वे जानना चाहते हैं कि उसमें उनके बीच में कौन सी वार्तालाप हुई थी, क्या चीजें थी जो मैत्रेय ऋषि ने विदुर को बताया, तो ये जानना चाहते थे। और अब ये जो यहाँ पे ये प्रश्न सौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी को कहा, जो प्रश्न ये भी प्रश्न एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी को भी परीक्षित महाराज ने किया था। तो सौनक ऋषि पूछ रहे कि विदुर ने किस प्रकार से घर गुरु त्याग किया और कैसे वे जो है सब जगह तीर्थ यात्रा पे गए, और विदुर और मैत्रेय मुनि का जो मिलन वहाँ पे हरिद्वार में हुआ था। तो विदुर जो थे, जैसे हम जानते हैं कि वे भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे, और उनका और भगवान के साथ मित्रता का भी संबंध था। और विदुर धृतराष्ट्र के और पांडु के भाई थे, लेकिन उनका जन्म एक दासी के द्वारा हुआ था, पिता एक ही था। जैसे हम जानते हैं कि व्यासदेव के द्वारा जो है पांडु धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। विदुर ताकि हालांकि वे दासी के द्वारा जन्म लिए थे, लेकिन वे जो है उस राज्य में भीष्म जो है उनको बराबरी का उनके साथ जो है व्यवहार करते थे, और उनको वे जो थे वे मुख्य मंत्री थे, और वे मुख्यमंत्री का उद्देश्य या चीफ मिनिस्टर ये है कि वो जो है राजा को हमेशा उपदेश दे। और विदुर वे भी धर्म के पालन करने वाले, और उनके पिछले जन्म में ये विदुर एक्चुअली कौन थे, ये यमराज के अवतार कि कुछ के श्राप के कारण यमराज को श्राप मिला था, और वो श्राप के कारण जो है उनको एक शूद्र शरीर प्राप्त हुआ और जन्म उनको लेना पड़ा इस प्रकार से। तो जब पर उनको ये श्राप कैसे मिला, तो ऐसा कहा गया है और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अध्याय के पहले स्कंद के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में ही बताते हैं कि विदुर के बारे में कि किस प्रकार से विदुर को ये श्राप मिला। कथा ऐसी है कि एक बार एक महान ऋषि था, मंडुका मुनि। तो वे एक आश्रम में रहते थे, और उस आश्रम में एक बार जो है कोई चोर जो है भागते भागते उनके आश्रम में आ गए, और उस आश्रम में उन्होंने आश्रय लिया, छुप गए उस आश्रम में। और राजा के जो सैनिक थे वो उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, और जब वो सैनिक उनके पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते वे क्या हुआ, वे जो है उस मंडुक ऋषि के आश्रम में आ गए।
और उन्होंने देखा कि ये जो सब चोर है यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो उन्होंने सबको बंदी बनाकर उनको पकड़ के ले लिया। उनके साथ साथ में मुंडक ऋषि को भी ले लिया, उनको भी लेके गए, उनको लेके गए और उनको सूली पे चढ़ा दिया बाकी के चोरों के साथ, और सूली पे चढ़ा दिया और उनको भाला से उनको मारने वाले ही थे। इतने में जो है राजा वहां पे आ गया और राजा को देखा कि अरे अरे ये कौन सा अनर्थ हो रहा है कि एक मुनि का यहाँ पे बिना कारण हत्या हो रहा है, उसको लटकाया गया है और उसको मारने के लिए सैनिक तैयार है। तो उन्होंने अपने सैनिकों को रुका दिया और फिर मुंडक ऋषि जो है, मुंडक मुनि जो है, उनको छुड़वा दिया। और राजा ने उनको बहुत समायाचना की, उनके चरण में गिर कर कहा कि हमारे सैनिकों से गलती हुई है, तो आपका कोई दोष नहीं है, आपकी आप तो आश्रम में थे, लेकिन जैसे कि स्वाभाविक है कि अगर कोई किसी को पकड़ा जाए तो किसी को कुछ कौन है क्या नहीं पता लगता है, सबको लेके उन्होंने सबको गिरफ्तार कर दिया था। तो इसीलिए राजा ने बोला कि मुझे क्षमा करो और कि आपके ऊपर ऐसे जो है अपराध हुआ है हमारे सैनिकों के द्वारा। तब मुंडक ऋषि ने मान लिया और उन्होंने राजा को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसे हुआ कैसे, मैंने कुछ नहीं किया पर मुझे ऐसे स्थिति में मैं कैसे मुझे डाला गया। तो जैसे कि मुनियों की शक्ति रहती है, वह सीधा गए कि रमराज के पास, यमराज को पूछा कि मुझे कैसे इस दंड मिला, मुझे कैसे इस स्थिति में मुझे डाला गया, जब मैंने कुछ नहीं किया था तो ऐसे कैसे हुआ कि मुझे इस प्रकार से इस स्थिति में मुझे जाना पड़ा। कि पहले के जो मुनि थे इतने भय थे कि वे अपने आप को जानते थे कि हमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि हम दंडित किए जाए इस प्रकार से। तो उन्होंने बोला बताओ क्या कारण था। तो यमराज ने बताया कि ऐसी बात है कि जब तुम छोटे बच्चे थे, जब बहुत छोटे थे बचपन में, आपने चींटी को एक बहुत ही लकड़ी के नोक से उसको दर्द देने के लिए आपने उसको भोंका था, तो इसके लिए आपको ये जो है सिचुएशन आपको भोगना पड़ा। तो मुनि बोली मैं तो बचपन में किया गया, एक बच्चा जो है वो जानता नहीं है कि क्या सही है क्या नहीं सही है, उसको पता भी नहीं लगता है, वो बचपन में नादानी में अगर उसने कुछ कर दिया तो ये दंड निया नहीं है। आपने उसको कैसे दंड दिया, मुझे कैसे इस बात पर, तो ये तुम्हारा जो न्याय है वो सही नहीं है, मैं आपको दंड दे, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप शूद्र बन के शूद्र जन्म प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से जो विदुर जो है पांडु और धृतराष्ट्र के भाई बने, वो स्वयं जो थे यमराज ही थे, धर्मराज थे। और संजोग की बात ये है कि विदुर स्वयं धर्मराज है और युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र है, तो ये दोनों जो न्याय और विदुर ने भी एक विदुर नीति करके एक न्याय शास्त्र उन्होंने बताया है। तो
इस प्रकार से विदुर बहुत ही, अभी वे भाई तो थे, धृतराष्ट्र के भाई थे, और उन्होंने बहुत, उनका स्नेह था धृतराष्ट्र के, वे हमेशा उनका हित चाहते थे, वे हमेशा उनको समझाते थे कि जो दुर्योधन को के प्रति तुम्हारा जो ये लगाव है उस वो विनष्ट का नष्ट का कारण होगा, तुम्हारे नष्ट और ये सब जो है नष्ट हो जाएगा, तो आप पांडु पुत्रों को जो कुछ भी उनको उनके हक के अनुसार है दे दीजिए, लेकिन धृतराष्ट्र जो है उनका स्नेह और उनका लगाव दुर्योधन से इतना था कि वो देख नहीं पाए। बहुत विदुर ने उनको समझाने की कोशिश की। दो चीजें हैं, एक है अफेक्शन और दूसरा है अटैचमेंट, लगाव और स्नेह और प्रेम। स्नेह जो है उसमें हम देखते हैं कि विदुर और धृतराष्ट्र के जीवन में विदुर जो है उनके उनको धृतराष्ट्र के प्रति बहुत ही अफेक्शन और स्नेह था, लेकिन धृतराष्ट्र को दुर्योधन के प्रति लगाव था। सो ये डिफरेंस है अफेक्शन एंड अटैचमेंट जो है, अफेक्शन और अटैचमेंट में डिफरेंस है। अफेक्शन जब होता है जब हम दूसरे के हित के लिए कार्य करते, जब हम किसी के प्रति स्नेह है अफेक्शन है तो हम हमेशा चाहते हैं कि उनके हित के लिए, और उनके हित के लिए जो है कभी कभी कड़वी बात भी बतानी पड़ती है, क्योंकि ये प्रेम या स्नेह के कारण है। लेकिन लगाव जो है, लगाव और अटैचमेंट, जब अटैचमेंट हो जाता है, अफेक्शन होना चाहिए अटैचमेंट नहीं, जब अटैचमेंट हो जाता है तो हम चाहते हैं कि उसको जिसके प्रति हमारा अटैचमेंट है हम हमेशा सावधान रहते कि उसको बुरा ना लग जाए, हम उसको डिसप्लीज ना करें, आई डोंट वांट टू डिसप्लीज, उसको बुरा ना लग जाए। तो इसीलिए उनको जो भी करना है करने दे, और यही था धृतराष्ट्र का, उसका लगाव इतना था, वो जानता था, लेकिन वो सोचता था कि नहीं, मुझे मेरे पुत्र को दुखी नहीं करना है, उसको डिसप्लीज नहीं करना है, इसीलिए वो जो है उनका लगाव। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड अफेक्शन। अफेक्शन वो है वेयर वी हैव अ पॉजिटिव इमोशन, ये भी एक इमोशन, दोनों इमोशन है, वी हैव अ पॉजिटिव इमोशन टुवर्ड्स दैट पर्सन, बट वी एक्ट इन सच अ वे that it is for the well-being of that person, well-being. Or attachment is when we let the person do whatever he wants to do because of we don't want to displease. तो इसीलिए विदुर जो है धृतराष्ट्र को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका लगाव इतना गहरा था कि वे समझ ही नहीं पा रहे। वे अंधे तो थे, लेकिन ये जो लगाव अपने पुत्र के लिए, इतना लगाव के कारण उनका उनकी दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि भी ठक गई थी, वो नहीं देखता। तो यहां हम देखते हैं कि दुर्योधन
इसीलिए वो जो भी करना चाहता था धृतराष्ट्र जो है उनको कुछ भी नहीं कहते, और उनके उनके लिए उन्होंने बहुत, अंत में जो है दुर्योधन इतना हद तक गया कि उन्होंने विदुर का अपमान किया, बहुत बुरी तरह से अपमान किया कि ये शूद्र का पुत्र, ये दासी का पुत्र, वो क्या बोल सकता है, वो क्या बता सकता है, उसको निकाल दो और उसको ऐसे निकाल दो, इस राज्य से निकाल दो और ऐसे निकाल दो कि कुछ भी मत उसको दे, सिर्फ उनका श्वास उनके साथ में लेकर उनको यहां से बाहर। तुरंत विदुर जो है, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये कैसे हुआ कि विदुर ने किस प्रकार से त्याग दिया, ये किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिसका छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। तो विदुर ने सोचा कि क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की, भगवान ने भी कोशिश की, भगवान भी शांति दूत के रूप में गए, भगवान तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, फिर भी विदुर ने भगवान को कहा कि आप क्यों जा रहे, आप मत जाइए इनके पास, मत जाइए, क्योंकि वो सुनने वाले नहीं, आपका भी अपमान करेंगे। और हुआ ये, दुर्योधन चाहता है इसको बंदी बना दे, एक ग्वाला बनने मना। फिर भगवान ने बहुत ही, विदुर ने भी भगवान से कहा कि मत जाइए मत जाइए, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं युधिष्ठिर और पांडवों के तरफ से साबित करना चाहता हूं कि पांडवों ने एक भी मौका नहीं गवाया इस युद्ध को रोकने के लिए, यहां तक कि मैं भी उनको जाके समझा कि ये युद्ध को रोको, सुना फिर युद्ध। तो पांडवों ने बहुत कोशिश की, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे ये युद्ध क्या भगवान ने, लेकिन वे सुने ही नहीं, भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की, विदुर का अपमानित किया। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत, भगवान का एक ही कर्तव्य, वे धर्म को स्थापना करने के लिए वे एक, उनका एक उद्देश्य है, और अपने भक्तों को आनंद, क्योंकि हम देखते हैं भगवान गए हस्तिनापुर, दुर्योधन के पास नहीं गए, विदुर के घर, और विदुर के घर में उन्होंने जो इतने आनंद से सूखा साख उन्होंने स्वीकार किया, और वो प्रेम तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय, अपने अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अवतारित हुए, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान अवतारित हुए, लेकिन उनका एक दूसरा भी कारण है कि विनाशाय च दुष्कृताय, ऐसे दुष्ट और अधर्मी व्यक्ति जैसे कि दुर्योधन एंड पार्टी, फिर भी भगवान इतने नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं कि युद्ध होगा चलो युद्ध होगा, भगवान ने बहुत कोशिश की, सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये टाल नहीं सका, तो अंत में भगवान ही गए और भगवान का अपमानित, और यहाँ पे हम देखते हैं कि विदुर का अपमान भी हुआ और वे निकल के चले गए। और जब वे तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तब उनकी मुलाकात मैत्र मुनि से हुई, और मैत्र मुनि और विदुर के बीच में जो वार्तालाप है उसके विषय में यहाँ पे सौनक आदि ऋषि जो है श्री सूत गोस्वामी से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके हमें बताएं। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।